हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। अपने पिछले एपिसोड से मैं बात कर रहा हूं बिल्डर्स की, मैं बात कर रहा हूं बायर्स की और मैं बात कर रहा हूं रेरा संबंधी कानूनों की। इस सीरीज़ के पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि बिल्डर्स को अब अपने प्रोजेक्ट जो हैं वो रेरा से रजिस्टर करवाने होंगे, इवन कि जो रियल इस्टेट एजेंट्स होते हैं उनको भी अपना नाम अब रेरा के साथ रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। और रेरा किस प्रकार से बायर्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करता है, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है और एंड स्क्रीन पर भी मैंने उस वीडियो का लिंक लगा दिया है, अगर आप चाहें तो मेरा वह वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बिल्डर्स जो हैं उनके ड्यूटीज़ क्या क्या हैं और बायर्स जो हैं उनके ड्यूटीज़ क्या क्या हैं और उनके राइट्स क्या क्या हैं एंड अकॉर्डिंग टू रेरा किस परिस्थिति में एक बिल्डर को अपने बायर्स को कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है। इन सभी बातों पर चर्चा करूंगा इस वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूं कि द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 यानी कि रेरा के अंतर्गत जो बिल्डर्स होते हैं उनके ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं। वेल, अकॉर्डिंग टू द रेरा जो बिल्डर्स के ड्यूटीज हैं उनमें जो पहला ड्यूटी है वो यह है कि बिल्डर्स हैव टू रजिस्टर अ प्रोजेक्ट विथ रेरा इफ प्रोजेक्ट इज मोर देन 500 स्क्वायर मीटर। मैंने आपको यह पहले भी बताया था कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट अब बिल्डर को बनाना है और अगर वह प्रोजेक्ट जो है वो 500 स्क्वायर मीटर से बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी कि जो फ्लैट्स बनने वाले हैं उसका जो पूरा एरिया है वो 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बड़ा है, तो इस परिस्थिति में बिल्डर को हर हालत में रेरा के साथ अपने उस प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अब बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी बिल्डर जो है वो बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रेरा जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर्स के लिए कही गई है वह है नो बिल्डर सेल एडवर्टाइज मार्केट बुक सेल और ऑफर फॉर सेल और इनवाइट पीपल टू परचेज एनी फ्लैट बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विथ रेरा। अब इसे आप यूं समझें कि जब भी कोई बिल्डर किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा है तो जब तक कि वह प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड नहीं हो जाए उसके पहले उस प्रोजेक्ट का वह बिल्डर जो है वह किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू रेरा जब एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं कर सकते हैं, इवन नॉट इन सोशल मीडिया। एडवर्टाइजमेंट या किसी भी तरह का सेल या टेकिंग एडवांस इज रिस्ट्रिक्टेड बिफोर द प्रोजेक्ट इज रजिस्टर्ड अंडर रेरा। तीसरी बात जो रेरा में कही गई है फॉर बिल्डर्स, दैट इज After registration and upon receiving the login ID and password, builder has to create web page on the RERA website and upload all the details of the project. यानी कि जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अब कोई भी बिल्डर जब अपने प्रोजेक्ट को रेरा के साथ रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन के ठीक बाद रेरा जो है वह अपने वेबसाइट का एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वह बिल्डर को देता है। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस बिल्डर को एक वेब पेज बनाना होता है रेरा पर रिगार्डिंग हिज इंटायर प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट संबंधी सारे डिटेल्स जो हैं वह उस वेब पेज पर देने होते हैं बाय द बिल्डर्स। डिटेल्स इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन बाय द रेरा, यानी रेरा के साथ जो प्रोजेक्ट रजिस्टर हुआ है उसके जो भी डिटेल्स जो हैं वो रेरा को दिए गए हैं वो सारे डिटेल्स जो हैं उस वेब पेज पर एक बिल्डर को पब्लिश करना होगा। इसके अलावा क्वार्टरली अप टू डेट द करंट स्टेटस ऑफ बुकिंग, यानी कि जब प्रोजेक्ट रेरा से रजिस्टर हो जाएगा और उसके बाद एक वेब पेज भी क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद उस प्रोजेक्ट पे काम भी स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जैसे फ्लैट्स की बुकिंग होती जाएगी वैसे वैसे क्वार्टरली यह सारे डिटेल्स जो हैं एक बिल्डर को अपने उस वेब पेज पर अपडेट करने होंगे। क्वार्टरली अपडेट ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैरेजेस बुक्ड, यानी कि अगर गैरेज अलग से दिया जा रहा है उसकी बुकिंग अलग से हो रही है तो जैसे जैसे गैरेजेस बुक्ड होंगे उसकी डिटेल्स भी उस वेब पेज पर बिल्डर को अपलोड करनी होगी। क्वार्टरली
अप टू डेट द स्टेटस ऑफ इंटायर प्रोजेक्ट, यानी कि इंटायर प्रोजेक्ट से संबंधित जो भी डिटेल है वह उस वेब पेज पर क्वार्टरली एक बिल्डर को अपडेट करना होगा. द नेक्स्ट ड्यूटीज फॉर द बिल्डर अकॉर्डिंग टू द रेरा इज दैट द एडवर्टाइजमेंट और प्रोस्पेक्टस इशूड बाई द बिल्डर सेल मेंशन द वेबसाइट एड्रेस ऑफ रेरा विथ वेब पेज डिटेल्स एंड द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑब्टेन बाई द अथॉरिटी. यानी कि जब भी कोई बिल्डर एडवर्टाइजमेंट के लिए या अपने बायर्स को जानकारी देने के लिए प्रोस्पेक्टस छपवाता है तो उस प्रोस्पेक्टस में रेरा के वेबसाइट का एड्रेस जो है वह पब्लिश होना चाहिए. रेरा वेबसाइट पर जो वेब पेज उस बिल्डर के द्वारा बनाया गया है उस वेब पेज के डिटेल्स होने चाहिए. और इसके अलावा रेरा में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उनके प्रोजेक्ट का उस प्रोजेक्ट नंबर को भी प्रोस्पेक्टस में छपवाना अनिवार्य होगा. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द प्रमोटर एट द टाइम ऑफ बुकिंग शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक अवेलेबल टू दी एलॉटी. यानी कि जब बिल्डर जो है वह बुकिंग करा रहे होंगे फ्लैट का तो उन्हें कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वह बायर्स को देनी मस्ट है. पहला, सेंक्शन प्लान्स लेआउट प्लान्स अलॉन्ग विथ स्पेसिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स. यानी कि जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका सेंक्शन प्लान्स लेआउट प्लान्स इसके अलावा जो रेरा के साथ उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उस रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन डॉक्यूमेंट्स को भी एक बिल्डर को अपने बायर्स को अवेलेबल कराना होगा. डिटेल्स ऑफ द स्टेज वाइज टाइम स्केड्यूल ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वाटर सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसके अलावा जो भी डिटेल्स एक बिल्डर ने रेरा को दिया है वह सारे इंफॉर्मेशन जो है वह अपने बायर्स को भी देने होंगे. जैसे कि कितने समय में जो प्रोजेक्ट है वह समाप्त होगा. इसके अलावा जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे वाटर सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी उसकी क्या व्यवस्था है इसको भी बिल्डर को एक बायर को बुकिंग के समय बताना अनिवार्य है. इसके अलावा द बिल्डर हैज अ राइट एंड मे कैंसिल द अलॉटमेंट ओनली इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ सेल. यानी कि बिल्डर्स के पास यह राइट है कि वह किसी भी अलॉटमेंट को कैंसिल कर सकता है अगर उनके और बायर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है और अगर बायर किसी भी क्लॉज को इन्फ्रिंज करते हैं इन दैट कंडीशन द बिल्डर हैज अ राइट टू कैंसिल दैट अलॉटमेंट. इसके अलावा The builder shall prepare and maintain all such other details as may be specified by RERA. यानी कि RERA के तरफ से जो भी निर्देश दिए जाएंगे time to time उन निर्देशों का एक builder को पालन करना होगा. तो ये तो थे एक builder के duties which has been mentioned in RERA. Now according to RERA, what are the duties and rights of a buyer? तो according to RERA, पहला है दी बायर सेल बी इंटाइटल टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सेंक्शन प्लान्स लेआउट प्लान्स अलॉन्ग विद द स्पेसिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड सच अदर इंफॉर्मेशन एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर और द एग्रीमेंट फॉर सेल साइन विद द प्रमोटर. यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रेरा के साथ हुआ है और जो भी इंफॉर्मेशन बिल्डर ने रेरा को दिया है कि प्रोजेक्ट कितने समय में ख़त्म हो जाएगा क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो उस प्रोजेक्ट में अवेलेबल हैं अ बायर हैज़ अ राइट टू नो द इंटायर थिंग. सेकंड है द एलॉटी शैल बी इंटाइटल टू नो स्टेज वाइज टाइम स्केड्यूल ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. यानी कि पूरा जो प्रोजेक्ट है वह जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा स्टेज वाइज वैसे वैसे इट्स अ ड्यूटी ऑफ द बिल्डर टू इन्फॉर्म द बायर्स और यह जानना एक बायर का अधिकार भी होगा अकॉर्डिंग टू रेरा. द थर्ड वन इज सिंपल एंड इट सेज दैट द एलॉटी शैल बी इंटाइटल टू क्लेम द पोजेशन ऑफ द अपार्टमेंट. चौथा पॉइंट है द एलॉटी शैल बी इंटाइटल टू क्लेम द रिफंड ऑफ अमाउंट paid along with interest at such rate as may be prescribed and compensation in the manner as provided under this act from the promoter if the promoter fails to comply or is unable to give possession of the apartment.
अब यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यह पॉइंट कहता है कि एक बायर का जो है यह अधिकार है कि अगर उसे जो फ्लैट मिल रहा है, अगर जो समय निर्धारित किया गया है उससे लेट हो गया है या फिर उससे काफ़ी लेट हो गया है, या फिर जो बिल्डर है वह उस फ्लैट का पोजीशन बायर को देने में नाकाम रहा है, तो इस परिस्थिति में बायर न सिर्फ अपने दिए गए पैसे को क्लेम कर सकता है बल्कि वह कंपनसेशन की भी मांग कर सकता है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ रेरा। अगला पॉइंट है, दी एलॉटी शैल बी एंटाइटल टू हैव द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड प्लान्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ कॉमन एरियाज आफ्टर हैंडिंग ओवर द फिजिकल पोजिशन ऑफ द अपार्टमेंट और प्लॉट और बिल्डिंग एज द केस मे बी बाय द प्रमोटर। रेरा का अगला पॉइंट कहता है कि जब भी फ्लैट बायर्स को मिल जाता है उसके बाद इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द बिल्डर कि उस फ्लैट या उस अपार्टमेंट से संबंधित या उस प्रोजेक्ट से संबंधित जितने भी सैंक्शन प्लान्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं फ्लैट बायर्स को हैंड ओवर करना होगा। एंड इट इज़ नॉट ओनली अ ड्यूटी ऑफ द बिल्डर बट इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट फॉर द बायर्स। अब रेरा जो है वह बायर्स को भी एक ड्यूटी देता है कि एज पर एग्रीमेंट जो भी पैसे बायर्स को अपने बिल्डर को देने हैं वह सारे पेमेंट्स जो हैं वह टाइम पर हो जाना चाहिए। अगर टाइम पर नहीं होगा तो बिल्डर्स विल बी लाइबल फॉर कॉम्पनसेशन एंड इन वर्स्ट केस इवन दे कैन कैंसिल द अलॉटमेंट एज पर द रूल्स ऑफ रेरा। अगला पॉइंट कहता है कि द एलॉटी शैल बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट एट सच रेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी डिले इन पेमेंट टूवर्ड्स एनी अमाउंट ऑफ चार्जेस टू बी पेड अंडर सब सेक्शन 6। यानी कि इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द बायर टू पे ऑल द पेमेंट्स ऑन टाइम, और अगर वो टाइम पे नहीं करेंगे देन बायर्स हैव टू पे कॉम्पनसेशन विथ इंटरेस्ट ऑल्सो। अगला पॉइंट कहता है कि एवरी एलॉटी शैल टेक फिजिकल पोजिशन ऑफ द अपार्टमेंट प्लॉट और बिल्डिंग एज द केस मे बी within a period of 2 months of the occupancy certificate issued for the said apartment, plot or building as the case may be। According to this point, buyer का यह अधिकार है कि जैसे ही किसी apartment को occupancy certificate मिल जाता है उस certificate के मिलने के 2 महीने के अंदर वह अपने flat का possession जो है वह ले लें। इसके अलावा रेरा कहता है कि एवरी एलॉटी सेल पार्टिसिपेट टुवर्ड्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कन्वेयंस डीड ऑफ द अपार्टमेंट प्लॉट और बिल्डिंग एज द केस मे बी। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट जो भी बायर्स हैं यह उनका दायित्व बनता है कि वह रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रोसेस में भाग लें। और अब मैं आपको बताता हूं कि वह कौन से सिचुएशन है जिसमें एक बिल्डर को न सिर्फ अपने बायर से लिए हुए पैसे लौटाने पड़ते हैं बल्कि कॉम्पनसेशन भी देना पड़ता है एंड दैट टू विथ इंटरेस्ट। अगर किसी भी प्रोजेक्ट को जो स्पेसिफाइड समय है जो कि बिल्डर्स के द्वारा दिया गया है, अगर बिल्डर उस निर्धारित समय में अपने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करते हैं या फिर किसी भी कारण से अपने प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ देते हैं, या फिर उनका जो रजिस्ट्रेशन रेरा से हुआ है वह रजिस्ट्रेशन किसी भी कारण से रद्द हो जाता है, तो इस परिस्थिति में बिल्डर्स जो है वह अपने बायर्स के लिए हुए पैसे न सिर्फ लौटाएगा बल्कि बिल्डर्स को कॉम्पनसेशन भी देना पड़ सकता है एंड दैट टू विथ इंटरेस्ट। इफ़ देयर इज़ इनऑर्डिनेट डिले इन कम्प्लीटिंग द प्रोजेक्ट, तो इस परिस्थिति में बायर्स जो है वह उस प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर सकते हैं, और अगर बायर्स उस प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लेते हैं तो इस परिस्थिति में बिल्डर्स को न सिर्फ बायर के लिए हुए पैसे लौटाने पड़ेंगे बल्कि कॉम्पनसेशन भी देना होगा विथ इंटरेस्ट। अगर बायर जो है वह विड्रॉ नहीं भी करता है तो एज पर रेरा अगर बायर इस बात की शिकायत करता है इन दैट कंडीशन बिल्डर हैज़ टू पे अ फाइन विथ इंटरेस्ट इन ईच एंड एवरी मंथ अंटिल ही कम्प्लीट्स द प्रोजेक्ट्स एंड हैंड ओवर द पोजिशन ऑफ द फ्लैट टू द बायर। इसके अलावा बिल्डर जो है वह रेरा में दिए गए किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को इन्फ्रिंज करता है और इसका सीधा असर अगर बायर पर पड़ता है या फिर बायर के साथ किए गए एग्रीमेंट के किसी भी क्लॉज को इन्फ्रिंज करता है, तो इस कंडीशन में बिल्डर को अपने बायर को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा एज पर द रूल्स ऑफ द रेरा।
तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो भी एक प्रोजेक्ट रेरा के अंतर्गत रजिस्टर होता है तो बिल्डर्स के ड्यूटीज़ क्या हैं और जो बायर्स हैं उनके ड्यूटीज़ और राइट्स क्या क्या हैं और किस परिस्थिति में बिल्डर को अपने बायर को न सिर्फ पैसे लौटाने पड़ सकते हैं बल्कि उनको कॉम्पनसेशन भी देना पड़ सकता है विथ इंटरेस्ट। अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कारपेट एरिया क्या होता है, बिल्टअप एरिया क्या होता है और सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है और इन चीज़ों की जानकारी के अभाव में एक बायर जो है वह बिल्डर के हाथों कैसे ठगा जाता है, तो जानते हैं यह सब अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।